इनका समस्या था जनवरी से हाथ पैर काम करने, कमर में दर्द स्टार्ट हुआ, उसके बाद हाथ पैर काम करना बंद कर दिया, धीरे धीरे पूरा पैरालिसिस होने लगे। तो हम लोग इंडिया में जो भी सबसे बेस्ट था अपना बेंगलोर साइड, वेलोर साइड, वो सारे साइड में हम लोग जाके दिखाए, लेकिन वहाँ का डॉक्टर बोले इतना एज हो गया इसलिए ये सर्जरी हो नहीं सकेगा, सर्जरी पॉसिबल नहीं है और ये इस एज में एनेस्थीसिया बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जी, मेरा नाम हुआ राजनंदन दास, हम दुर्गापुर वेस्ट बंगाल से आए हैं। जी, है मेरे पिताजी श्री राम गुलाम दास, एज अप्रोक्स 90 के आसपास है। ड्यू टू एज वो लोग बोल रहे हैं कि ये मेडिसिन से ठीक नहीं होगा, सर्जरी से आप यहाँ से बेटर के लिए कहीं बाहर लेके चल जाइए, इस तरह का बात बोले। तो हम लोग फिर घर लेके आ गए। फिर मेरे छोटे भाई का एक दोस्त है, तो उनका फ्रेंड है, उनका यह भुवनेश्वर मणिपाल हॉस्पिटल का नाम बताएं कि आप लोग एक बार वहाँ जाइए। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, तो हम वहाँ ट्रीटमेंट कराए, काफ़ी क्योर है। तो हम लोग यहाँ पे आए और डॉक्टर सर अमित जायसवाल सर से मिले, तो उन्होंने हमको बहुत अच्छा फीडबैक दिया, बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप लेके आइए, हम सर्जरी करके दिखाएंगे, आपको डरने कोई बात नहीं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित जायसवाल, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हूँ मणिपाल हॉस्पिटल में भुवनेश्वर। अच्छा, जैसा आपने देखा इस केस में, ये एक वृद्ध पुरुष थे जो उड़ीसा के नहीं, बाहर से, बाहर के रहने वाले हैं, और इनकी तकलीफ शुरू हुई 2-3 महीने पहले से, जब इनको धीरे धीरे हाथों और पैरों में कमज़ोरी आना शुरू हुआ, और इन्होंने धीरे धीरे, इनका चलना फिरना कम हो गया, वो बेडरिडन हो गए, एंड इस वजह से उनके परिवार में ने डिसाइड किया कि इनको इसकी चिकित्सा इनको ज़रूरत है। ऑल दो ही वॉज वेरी एल्डरली, एक बहुत एजेड पेशेंट के बारे में लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उनको लगता है कि अरे कोई बात नहीं, इनकी तो उम्र हो गई है, अब ये क्या इम्प्रूव होंगे। लेकिन आई रियली फील नाइस कि जब उनके लड़कों ने डिसाइड किया कि नहीं, जितने भी इतना भी एज होने के बावजूद इनको अच्छा करने का एक चांस लिया जाए, और इन्होंने काफ़ी सेंटर्स में ट्राई भी किया, बट जब यहाँ पे आए और हमने देखा कि ये एक्चुअली बेडरिडन पेशेंट्स हैं, बहुत दिन हो गया इस इनका इलाज जबकि हुआ नहीं था, एमआरआई करवाया हमने, और एमआरआई के हिसाब से इनको रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, सर्वाइकल स्पाइन, मतलब गर्दन के पास की हड्डी बढ़ने की वजह से इनके स्पाइनल कॉर्ड में दबाव था और हाथों पैरों का पावर चला जा चुका था। बहुत क्रूशियल सिनेरियो था हमें डिसीजन लेने में, एक तो एज, दूसरा जिस प्रकार का हड्डी का बढ़ना था, जिसे हम OPLL कहते हैं, इसके वजह से स्पाइनल कॉर्ड में डैमेज ऑलरेडी हो चुका था, बट वी टुक अ चांस, हमने ये सर्जरी को टेकअप किया और सर्वाइकल सर्जरी करी गई इनकी, और इसका आउटकम बाय गॉड्स ग्रेस और सबके उनके आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा आया कि वो आज चल पा रहे हैं, अपने नॉर्मल ज़िंदगी में आ गए हैं। एंड आई रियली विश कि ये चीज़ लोगों को समझ में आए कि कभी भी मेडिसिन में कभी भी देर नहीं होता है, एक रे ऑफ होप हर समय रहता है, और यही एग्जाम्पल था, इसी वजह से हमने ये केस लिया कि सर्जरीज तो होते रहते हैं, लेकिन ऐसे सिनेरियोज में एक पॉइंट पे जब हम छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है कोई चीज़ करने का, नेवर लूज होप एंड कीप योर फेथ अप। हम लोग बहुत डर गए थे, सब उतना वर्ल्ड लेवल का हॉस्पिटल जब मना कर दिया तो फिर क्या होगा नहीं होगा। यहाँ पे आए, अमित सर से मिले, अमित सर का व्यवहार से और सर्जरी किए, और उसके बाद यहाँ के एनेस्थीसिया के जो डॉक्टर हैं भाग्य रंजन जना सर, वो ग्रेट हैं। अब जो दूसरा हॉस्पिटल मना कर दिया था हमको, जिस चीज़ का डर था कि वो एनेस्थीसिया बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनका वो हम लोगों को आधा घंटा कम से कम टाइम देकर समझाएं सारा प्रोसीड्यूर, तब कन्विंस हुआ, तब हम लोग राजी हुए सर्जरी के लिए, और आज सर्जरी कर लिए। पापा मेरे बहुत बेटर फील कर रहे हैं, हाथ पर पापा उठा के दिखाइए थोड़ा, हाथ पहले ये हाथ उठता तक नहीं था, दोनों हाथ उठाइए पापा जी, दोनों देखिए जी, हाथ तक उठता नहीं था।
तांकर गोटे कॉम्प्लिकेटेड सर्वाइकल स्पाइन रो ऑपरेशन होबार थिला एवं ता सहित पेशेंट को नानादि प्रकार डायबिटीज ब्लड प्रेशर एवं उर्ध वयस जोगु बहुत प्रकार एनेस्थेसिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होबार चांस थिला तो आमे तांकु भल भाबरे ऑप्टिमाइज करिकी आउ बहुत भलरे तांकु कॉन्फिडेंस रे नेकी आमे प्रोसीड करथिलु आउ ऑपरेशन टी सक्सेसफुल हेतिला आउ रोगी की आईसीयू किंबा वेंटिलेटर किंबा ऑक्सीजन रो दरकार पड़ी नथिला ऑपरेशन परे आउ रोगी बहुत भल भाबरे इंप्रूव करथिले आउ किछि प्रकार कॉम्प्लिकेशन हे नथिला। मैं मणिपाल हॉस्पिटल और उन डॉक्टर अमित सर के पूरे टीम को और विशेष करके भाग्यरंजन जना सर को थैंक्स कहना चाहूँगा अपनी तरफ से कि उन्होंने मेरे पापा को क्योर कर दिया।